राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कैसे हूँ ये तो अभी के व्लॉग देख के आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक ही हूँ। बेबी को देखते हो आप लोग? डॉगी के साथ खेलना इनको इतना ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल डर नहीं लगता है डॉगी से, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसको भी देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अच्छा मैं ना डरती हूँ कि काट लेगा काट लेगा, लेकिन जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। जब लल्ला प्यार करती है ना डॉगी को, खूब खुश होता है, ये खूब दुलार लगवाता है। देखिए जरा दोनों का प्यार। लल्ला नहीं नहीं बैठना, मत बेटा उस पर मत बैठना बेटा, तंग मत करो डॉगी को, बस प्यार करो दुलार करो बेटा, बेटा प्यार करो दुलार करो बस। नहीं हम बैठेंगे उसके ऊपर। इतना ना मिट्टी में खेल खेल के एकदम ड्रेस गंदा कर लिए ना, मैं भी छोड़ दी हूँ। ठीक है चलो अब ले जाके आखिर चेंज करना ही है, साफ सुथरा करना ही है, तो खेल लो दम भर। अभी देखिए डॉगी के साथ खेलो। अरे चूटी तो पटका तो उसको बेटा, बोलूंगी कि नहीं बेटा डॉगी के पास मत जा, नहीं मुझे नहीं डर लगता मम्मा, मुझे खेलना है ना डॉगी के पास, मुझे मत हटाओ। आज भी एग्जाम है? कौन सा सब्जेक्ट? मतलब EVS और SST एक्टिविटी। अच्छा क्या खा रहे हो? पनीर की सब्जी रोटी। होली के दिन सरकारी स्कूल में परीक्षा बा, छुट्टी नहीं है आपकी? जाओ जाओ खा मामा के साथ, जाओ खा मामा के साथ। नहीं खाएंगे नहीं, गिलास लेंगे। सोना आ जा बेटा, सोना चलो बाबा जोरे खेले। सुबह सुबह की जो धूप होती है ना उसमें हमें विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से, तो कोशिश करती हूँ कि जब बेबी को खिलाने आती हूँ तो मैं भी थोड़ा धूप सेक लूँ। लल्ला मम्मा के पास आ बेटा, लल्ला दो दे दो बेटा दे दो, कंघी कर रहे थे तो ले ली है कंघी, कि हम अपने से कंघी करेंगे, दे नहीं रही है। आ जाओ बेटा दे दो मम्मी को कंघी, दे दो बेटा मम्मा को कंघी, दे दो बेटा। नहीं देगी, छीन लेंगे तो रोने लगेगी। अच्छा थोड़ी देर खेल लेगी उसके बाद ले लेंगे। अब देखिए ढेला कंकर ये सब उठाने लगे। गाइस थोड़ा देर धूप सेकने के बाद और बेबी के साथ खेलने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर, और वो भी छत पे। छत पे आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने चूल्हे में आग जलाया, मतलब चूल्हे पे थोड़ा बहुत खाना मम्मी बनाने वाली हैं। तो देखा मैंने कि सब्जी की बनाने की तैयारी पूरी मम्मी कर चुकी है, तो मैंने कहा मम्मी दीजिए मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। और पता नहीं क्यों ना मुझे सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए सुबह में नाश्ते में बन चुका है पनीर और काबली चना और आलू की सब्जी, जो कि मैंने ही बनाया था, और भाभी ने बनाया था रोटी और साथ में दाल। दाल भाभी इंडक्शन पे या फिर चूल्हे पे गैस चूल्हे पे चढ़ा देती हैं, नीचे ही बन जाता है। और छत पे मम्मी ये चावल बना लेती हैं, सब्जी बना लेती हैं, फिर साग वगैरह जो भी चीज़ें बनाना होता है वो बना लेती हैं मम्मी। तो ऐसे क्या होता है ना कि किसी एक इंसान पर बर्डन भी नहीं पड़ता और काम भी आराम से हो जाता है। ये हमारा चावल भी बनकर तैयार हो चुका है और ये बन गया हमारा पालक का साग, बहुत पसंद है मुझे। और ये देखिए यहाँ दूध गर्म हो रहा है, मम्मी दूध गर्म करी। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ना चूल्हे में शकरकंद और आलू डाला है पकने के लिए। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब चूल्हे में आप आलू पका के खाओ। और अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ देखिए हमारी बेबी को खेल रही थी अभी, लेकिन जैसे ही मुझे देखी ना, नहीं मम्मा मुझे ना आपकी गोदी आना है, मुझे देखते ही चिल्लाने लगती है मुझे मम्मा की गोदी जाना है। तो अभी मैं इनको गोदी लूंगी। और इधर देखिए हरकत है, सोना देखा हेलो देखा दोनों बहनों को देख रहे हैं आप लोग, कितनी बड़ी बड़ी बिंदी लगाई है, कितनी क्यूट लग रही है। जब बड़ी हो जाएंगी सब तो हम लोग फोटो दिखाएंगे तो कितना हंसेंगी सब ना, इन लोग को भी कितना अच्छा लगेगा कि मज़ा आएगा वाह। और इधर देखिए हमारी सोना को अपने परदादा जी के साथ खाना खाने लगी हैं, दाल चावल साग सब्जी। इनको ना साग बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक वाली साग। और इसके बाद नहा धो के मैं आ चुकी हूँ पूजा करने सूर्य देवता को, जल देने। बोलो बेटा जय संतोषी माँ। आज है मम्मी का संतोषी माता का व्रत, शुक्रवार का व्रत। एक दिन मंगलवार का व्रत होता है और एक दिन शुक्रवार का व्रत होता है। और ये व्रत ऐसा है, ये पूजा ऐसी है कि इसमें मम्मी प्रसाद किसी को भी नहीं देती है, क्योंकि कहते हैं जो खट्टा खाता है वो प्रसाद नहीं खा सकता है। शुक्रवार संतोषी माता का व्रत का अपना प्रसाद सिर्फ अपने खाती है मम्मी। अच्छा नानी के गोदी जाना है, जाओ जाओ। अल्लाह भी चली गई नानी के गोदी, नानी के साथ पूजा करेंगी संतोषी माता का। मम्मी का हफ्ते में दो दिन व्रत हो जाता है, एक दिन शुक्रवार एक दिन मंगलवार। तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। नानी पूजा कर रही है, आरती उतार रही है, और नातिन क्या कर रही है? घंटी बजा रही है। नातिन घंटी बजा रही है और प्रसाद छेट रही है। माफ कर दीजिएगा माता रानी। हम दोनों मम्मा बेटी नहा धो चुके हैं, मम्मा पूजा भी कर ली और लल्ला एक नींद सो भी ली। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? छत पे। बेटा हम लोग छत पे, बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं छत पे? हम लोग छत पे जा रहे हैं, जो आलू और शकरकंद मम्मा पकाई है वो दोनों माँ बेटी हम लोग खाएंगे। खाओगे वीरू? नहीं, हम लोग खाएंगे। मम्मी चूल्हा में से राख निकाल दी, ये रहा हमारा आलू और शकरकंद। ले रहे हैं बेटा, ले रहे हैं, पक गया है अच्छे से। चलिए अब इसको ले चलते हैं नीचे। ले रहे हैं बेटा, ले रहे हैं। ये देखो ना, देखो ना बेटा, देखो ना, देखो तो देखो, ये क्या है, ये क्या है बेटा? गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के लगभग 5:40 हो रहे हैं। मैं आई हूँ द्वार पे थोड़ा देर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे याद नहीं है कि मैं पिछली बार कब अकेले ऐसे बैठी हुई थी। बेबी के जन्म के बाद मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, मतलब हमेशा बेबी के साथ ही रही हूँ। अभी बेबी यहीं पर खेल रही थी मिट्टी में, लेकिन अभी चांदनी उठा के ले गई है। चांदनी उधर बच्चों के साथ खिला रही है बेबी को। तो थोड़ा देर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे खुली वातावरण, खुली हवाएं, खेतों में किसानों को काम करते हुए देखना, और आकाश में बर्ड्स को फ्लाई करते हुए उड़ते हुए देखना, सनसेट होते हुए देखना, ये सब चीज़ें ना बहुत सुकून देती है। मतलब आपके अंदर जितनी भी तकलीफ़ें, परेशानियां दफन हुई हैं उन सब से राहत मिलती है। थोड़ी देर बैठूंगी, बस 5 से 10 मिनट बैठूंगी, बात भी कर लूँगी थोड़ी देर आप लोग से, क्योंकि ऐसे फेस टू फेस आप लोग से बातें नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सी बातें शेयर करने वाली हूँ। आप सब लोग का कमेंट आता है कि रमीना कब बताओगी, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। बताना शुरू भी किया था मैंने, लेकिन फिर बीच में एग्ज़ाम का डेट आ गया था तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई ही कर लेती हूँ। एग्ज़ाम डेट से याद आया कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रमीना एग्ज़ाम डेट का क्या हुआ, कब हो रहा है एग्ज़ाम। तो पता है एग्ज़ाम डेट 16 को ही था, 16 को मेरा एग्ज़ाम हो जाता, मतलब कि कल, आज 15 है, कल मेरा एग्ज़ाम हो जाता। उसी रफ्तार से पढ़ाई हो रही थी। देखिए उधर बाइक की तरफ चांदनी दिख रही है बेबी को लिए हुए, तो उसी रफ्तार से पढ़ाई भी हो रही थी कि 16 को एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी। बट फिर बीच में ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों टाइम जो है पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब डेट जो है पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम का। मे बी कि इलेक्शन की वजह से हुआ हो, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है मई में, शायद अप्रैल या मई में होगा, तो शायद इस वजह से। वैसे PRT का, मतलब 1 to 5 का और 6 to 8 का आज एग्ज़ाम हो चुका होगा, आज ही था, 15 तारीख को ही था, तो आज हो चुका होगा उन लोग का एग्ज़ाम। हम लोग का भी कल था 9 to 10 का, बट अभी तो एक्सपॉन्ड हो चुका है। लल्ला सोना खेला लो। तो अभी वही है कि एग्ज़ाम डेट जो है पोस्टपोन्ड है, मे बी कि अप्रैल में 5 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि जब भी एग्ज़ाम हो जाए हमें तो अपना एग्ज़ाम। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ ले लो खेलो खेलो बेटा, देखो बाबू के साथ खेलो। वही है कि देखिए क्या होता है। और हाँ, आप सब लोग वेट कर रहे हो कि रमीना कब सब कुछ बताओगी। बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, थोड़ा अपने माइंड को। हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खेलो। थोड़ा अपने माइंड को शांत रखना चाहती हूँ ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि फिर मैं बातों को छेड़ूंगी ना तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कहा बेटा? हाँ बउआ के साथ खेला। वही है कि और हाँ, पीछे ना जब मैं ये सब बातें बता रही थी आप लोगों को, अपनी आप भी थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि रवीना बेबी को वीडियो में मत दिखाया करो, क्योंकि मैं भी कि तुम्हारे ससुराल वालों से दिक्कत हो सकता है बेबी को। सच बताऊँ मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों से अब मुझे डरने की ज़रूरत है। जब तक मैं डरी बहुत था, मुझे नहीं लगता अब मुझे उन लोगों से डरना चाहिए। और रही बात बेबी को वीडियो में ना दिखाने की, आप लोग अच्छा सोचते हो, प्यार करते हो मुझे और बेबी को, हमारी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ से ये बात बोले तो ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू कि आप लोग मेरा केयर करते हो, बेबी का केयर करते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग वहाँ से यहाँ आके परेशान मुझे और या फिर मेरी बेटी को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितना परेशान करना था कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ मैं,
बेटी का सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखती हूँ। हाँ बेटा, बट नहीं ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाऊंगी तो, बल्कि पता है आप लोग को एक बात में क्या सोच रही थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी ना वीडियो में, तो आप लोग को भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग नहीं देखेंगे बेबी को तो तड़पेंगे तरसेंगे और शायद अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ये मैं भी सोच रही थी, सच बताऊँ तो मैं भी ये बात सोच रही थी, बट ये हम लोग का सोचना बहुत ही मतलब बेकार है। कुछ नहीं ऐसा है कि उन लोग को कोई तरसना नहीं, कोई तड़पना नहीं है, क्योंकि जो तड़पेगा तड़पेगा वो अब तक बेबी के लिए भी आ पहुंचा होता है यहाँ पे, जिसको कोई मतलब ही नहीं, कोई हाल तक नहीं पूछा है कि क्या है कैसी है, चलो मैं बुरी हूँ तुम लोग के लिए, अपनी पोती का अपनी बेटी का तो ख्याल है तुम लोग का, नहीं कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है क्या है कैसी है, कोई मतलब नहीं है इन लोग को, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज देने आता है कि ये हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसलिए नहीं कर रहे हैं, कि इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसी है बेटी क्या है, कोई मतलब ही नहीं है इन लोग को, कैसी है हमारी पोती हमारे घर की बच्ची कैसे है, बस ये लोग तो खुश है कि चलो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से पाला छूट गया हम लोग का, ठीक है भाई खुश रहो, इतने सालों बाद भगवान ने तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा दिया था, तुम लोग रख नहीं पाए। हाँ बेटा हाँ, तुम लोग उसको खुश नहीं रख पाए, उसकी माँ को खुश नहीं रख पाए, तुम लोग को उसकी जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगी, तुम लोग उसका जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, खुश रहो तुम लोग अपनी दुनिया में, और ये जो मेरे पति देव जी हैं मेरी बच्ची के बाप, आप भी खुश रहिए अपने माँ बाप अपनी बहन के साथ, क्योंकि वही आपकी दुनिया है, आपके लिए मैं मतलब आपकी बीवी और आपकी बच्ची आपकी दुनिया नहीं है, और जो आपकी दुनिया है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ठीक है आप उन्हीं लोग के साथ खुश रहिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची के साथ, यहाँ पर सब लोग मेरे बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे भी पढ़ने का पूरा मौका देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, और एक और बात कि मैं अपनी व्यूअर सब्सक्राइबर से कह रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को वीडियो में इसीलिए दिखाती हूँ, इसीलिए कैप्चर करती हूँ अपने ब्लॉग्स में, ताकि मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे जो यादें हैं वो मैं समेट सकूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटी की एक्टिविटी को कैप्चर करूँ, ताकि मेरी जब बेटी जब बड़ी हो जाएगी ना तो मैं उसको खुद दिखाऊंगी या फिर मैं खुद देखूंगी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि जब वो छोटी थी तो कैसे कैसे हरकतें करती थी, या फिर मैं याद करूंगी कि मेरी बेटी कैसे कैसे हरकतें करती थी, मेरी सोना कैसे कैसे हरकतें करती थी, सोना बोलता राधे 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 बोला सोना, तो ये सब चीज़ें मैं जब देखूंगी ना अभी से 5 साल 10 साल बाद तो मुझे बहुत खुशी होगी, बेटी को भी अच्छा लगेगा, सोना भी देखेगी अपना ये सब छोटी छोटी हरकतें तो अच्छा लगेगा। तो बस बेटी को व्लॉग में लेने का पर्पस यही होता है कि मैं अपनी बेटी की जो भी छोटी मोटी हरकतें हैं वो सब कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब तो बेटी मेरी जन्म ली थी ना, आप लोगों ने देखा होगा जब बेटी पेट में थी तो मतलब जो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी था मैंने कैसे कैसे सब काटा था, फिर बेबी के जन्म के बाद अभी तक जब बेबी 1 साल की हो गई, अभी तो बेबी 14 महीने की हो गई, तो बेबी का अभी तक का जर्नी मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि सब चीज़ें कैसे कैसे हुई थी, अच्छा लगता है। तो बस यही है कि बेबी का जो हरकतें हैं जो भी चीज़ें हैं जो भी अनमोल क्या बोलते हैं उसको वक्त है उसको मैं समेट रही हूँ कैप्चर कर रही हूँ, इसीलिए अपनी बेबी को मैं ब्लॉग में ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करती हूँ। और रही बात कि कोई तरस रहा है तड़प रहा है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, और रही बात उन लोगों से खतरे की बात तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना बिगाड़ना था जितना करना था कर चुके हैं वो लोग, अब इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और इंसाफ जो है वो तो भगवान करेंगे ही, मुझे और मेरी बेटी को जितना परेशान किया गया है जितना तरपाया गया है जितना तरसाया गया है और हम दोनों को हमारे ही हक से वंचित कर दिया गया वो भगवान देख रहे हैं। शाम का टाइम है, सूर्यास्त हो रहा है, मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ ना कि भगवान आप तो माफ़ कर देते हैं लेकिन कर्मा जो होता है ना, जो कर्म होता है इंसान को वो कभी माफ़ नहीं करता है, कर्म का फल सबको भुगतना होता है, तो हाँ कर्म का फल ज़रूर भुगताइएगा, इंसाफ ज़रूर कीजिएगा आप, मैं भी उस दिन का इंतज़ार करूँगी। आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं अपना डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अपनी दिल की बातें अपनी फीलिंग्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, अपना राय आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग का भी पूरा का पूरा हक बनता है कि आप लोग को भी अच्छा बुरा जो भी लगता है वो राय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 6 बज चुके हैं, अजान होने लगी हैं, आप लोग जो मुझे अनजान लोग मुझे डेली देखते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, मेरी बातों को सुनते हो, मुझे समझते हो और उसके बाद इतना सारा प्यार लुटाते हो मेरे ऊपर कमेंट्स के थ्रू, मुझे सच में बहुत खुशी होती है, हर ब्लॉग में मैं बोलती हूँ, तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। मेरी बहुत सी अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे देख रही हैं
उनमें से कुछ का इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता है ना, सच में दिल को छू जाता है। अनजान लोग जब कहते हो कि रवीना तुम पढ़ाई करो, तुम मेहनत करो, हमें पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम जॉब ले लोगी और तुम अपनी बेटी के साथ एक दिन बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगी, मैं सच बताऊँ मुझे इतनी खुशी होती है कि आप अनजान लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के भरोसे पर खड़ी उतरूँ और साथ ही साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ अपनी बेटी के साथ। भगवान चाहेंगे तो ज़रूर एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस आप लोग भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। शाम हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, बेबी के साथ थोड़ा देर खेलूँगी, उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक बहुत अच्छे व्लॉग में, और अपनी चीज़ें जो है आगे वो सब आप लोग के सामने आएगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।